आज अपुन का बर्थडे होती, एवेंजर्स ने अपुन को विश भी ना करती। अपुन को पता होती अपनों के असली दोस्त सुमित और सिंचैन होती, इन लोगों को मेरा जन्म बिल्कुल याद होती। चलो जाती, सुमित सिंचैन कहाँ होती? अरे कौन है, कौन आ गया? अरे कैमरामैन आती, कैसे हो तुम लोग? अरे यार कैमरामैन, क्या हाल है तेरे? हाँ कैमरामैन, कैसे आना हुआ यहाँ पर? अजय तुझे पता है आज क्या होती? क्या होती आज? आज बहुत बड़ा स्पेशल दिन होती। अरे क्या हो गया, कोई मेला वेला भर रहा है कहीं पर? नहीं, उससे भी स्पेशल होती। अब बताना क्या स्पेशल डे, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या स्पेशल डे। क्या तुम लोग भूल गई? अरे क्या भूल गए, बताएगा तो ढंग से क्या बोलना चाह रहे तू और यहाँ पर क्या करने आए? क्या बात करती, तुम लोगों को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं होती? अपन तुम लोगों से प्यार नहीं करती। अब क्यों रो रहा है, क्या हो गया? अरे सुमित भैया क्या हो रहा है इसको? पता नहीं यार सिंचैन, क्या बकवास है। किसी को भी मेरा जन्मदिन याद नहीं होती, ना एवेंजर्स को याद होती, ना सिंचैन और सुमित को याद होती। अपुन से कोई प्यार नहीं करती, अपुन जा रहा है, अपुन कहीं दूर जाती। अरे सुमित भैया तुमने तो मस्त झूठ बोले उसको। तो गाइस यार मैं क्या बताऊं, हम लोगों को पता है असल में यार कैमरामैन का बर्थडे। हम असल में इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि यार जो एवेंजर्स है ना, उन्होंने हमें मना किया है। हम एक सीक्रेट सरप्राइज प्लान कर रहे हैं हमारे कैमरामैन के लिए। हाँ सिंचैन ने बिल्कुल सही बोला गाइस यार, हम एक सीक्रेट प्लान कर रहे हैं हमारे कैमरामैन के लिए। तो गाइस यार उसको बताना तो है ही नहीं कि हम उसका बर्थडे भी याद या नहीं है, वरना बता देंगे तो सीक्रेट सारा खराब हो जाएगा ना। हाँ सुमित भैया खतरनाक वाला सरप्राइज देंगे उनको। सिंचैन चल जल्दी बैठ। हाँ सुमित भैया चलो। तो गाइस यार फिलहाल यार एवेंजर्स ने मेरे को फोन करके बुलाया, तो चलो जल्दी चलता हूँ। अबे भूतनी के ढंग से चला ले। अरे सुमित भैया तुम नहीं चला रहे हो ढंग से। हम भी मैं नहीं चला रहा, वो ही नहीं चला रहा था ढंग से। चलो गाइस चलते हैं जल्दी से, देखते हैं यार आखिर एवेंजर्स मेरे को क्यों याद कर रहे हैं। अरे सुमित भैया बेसुरे आदमी, चुप हो जाओ, तुमसे गाना भी नहीं गाया जाता। अबे सिंचैन मैं गाना नहीं गा रहा था, मेरे मुंह में कीड़े अटक गए। क्यों, कीड़े खाते हो क्या जो मुंह में अटक गए? अरे नहीं नहीं ऐसे ही ऐसे ही। अरे सुन भैया जल्दी चलो। ओके तो गाइस ये क्या, इन लोगों ने तो कोई सजावट ही शुरू नहीं करी अभी तक। अरे क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है लोंडो? अरे सुमित तुम आ गए। हाँ क्या चल रहा है, क्या अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं है इन लोगों ने। अरे सुमित असल में मैं हर किसी को थोड़ा थोड़ा काम देने वाला हूँ। हल्क को भी काम देना? हाँ हल्क तुम्हें भी काम दूंगा, मैं सबको थोड़ा थोड़ा काम देता हूँ। तो सुमित तुम एक काम करो, तुम लेके आओगे डेकोरेटिव लाइट्स, समझ में आया तुम्हें? मतलब सारा डेकोरेशन का काम मुझे करना है। हाँ सुमित तुमने बिल्कुल सही सुना है, सारा डेकोरेशन का काम तुम करोगे। यहाँ पर वेनेसडे लेके आएगी केक, लिटिल सिंगम लेके आएगा उसका प्राइज, और हल्क डीजे लाएगा। अरे नहीं डीजे असल में सुमित को ही लाना है। क्या डीजे भी मेरे को ही लाना है? तो हल्क क्या करेगा? अरे हल्क मैं तुम्हें तुम्हारा काम बताता हूँ, मैंने सुमित को काम बताना था, वो इसने लिया। अरे वेनेसडे दीदी मेरे साथ चलो, आपको घुमाऊंगा। अब सिंचैन इधर आ जा, वेनेसडे दीदी गाड़ी के अंदर बैठ, निकलना है यहाँ से। अरे सुमित भैया वेनेसडे दीदी को भी ले चलो ना। अबे मैं इसको ही छोड़ जाता हूँ, अपनी ऐसे से कराया यहाँ पर। अबे तो यार दीदी दिखी नहीं, वहीं अपना मुंह लेके पहुंच गया। तो चलो गाइस यार अभी तुम्हारा भाई अकेला जा रहा है, लेके आता हूँ कुछ जाके, लाइट वाइट लेके आनी, थोड़े बहुत डीजे वीजे लेके आने। और मुझे पता है ये सारी चीजें मुझे कहाँ से खरीदनी है। सबसे पहले तो यार मैं अपनी गाड़ी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर तो सामान आने वाला नहीं है ना। यहाँ पर इस गाड़ी को पार्क कर देता हूँ मेरी वाली को, और यहाँ पर यार एक एसयूवी खड़ी होनी चाहिए जिसके पीछे कंटेनर होगा। कहाँ है देखो ना, ओ ये खड़ा नहीं, भारी खड़ा है यार रोड पे। सही है चलो यार लेके चलता हूँ इसको, भाई फुल करके लाना है सारा सामान मेरे को, इसके अंदर लेके आना है, मस्त मजा आएगा। तो लेट्स गो गाइस चलते हैं। और सिंचैन रह गया है उसकी दीदी मतलब वेनेसडे के पास, तो हम लोग निकलते हैं जल्दी से और सामान लेके आते हैं। भाई बर्थडे पार्टी का बहुत मजा आने वाला है। और एक और बात बताऊं तुम लोगों को यार, एक पैसा नहीं दिया टोनी स्टार्क ने इतना अमीर आदमी। भाई मेरे पास अब पैसे नहीं है, अब मुझे मेरे ही पैसों से यार चीजें खरीद के लेके जानी है। तो भाई मैं तो ओरिजिनल चीजें बिल्कुल नहीं खरीदने वाला हूं, वो बहुत महंगी आएगी, इसलिए मैं आ चुका हूं चाइना मार्केट में। देखो ये चाइना मार्केट, यहां पर सस्ते मिलता है सब कुछ। हमको अरे भाई सॉरी। तो गाइस यार अभी हम लोग आ चुके चाइना मार्केट में, और यार यहाँ पर सारा सामान मिल जाएगा जो भी मेरे को चाहिए, लाइट स्पीकर वीकर जो भी जितना भी सौदा मैंने चाहिए ना बर्थडे पार्टी के लिए, मेरे को सारा सामान यहीं पर मिल जाएगा। चलो गाइस शॉप के अंदर से जल्दी से लेके आते हैं सारा सामान। भाई साहब चाइना का माल भी बहुत महंगा हो गया धीरे धीरे करके, पर कोई बात नहीं यार, हमने फाइनली सारा सारा सामान खरीद लिया। यहाँ पर देख रहे हो यार ये इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर। और यार तुम लोगों को एक बात बताऊं, कहते चाइना का माल चले तो चांद तक, वरना रात तक भी नहीं चलता है, समझ रहे हो ना? मतलब होने में तो ये रात को भी खराब हो सकते हैं।
पर यार चलने में तो क्या पता 6 साल चल जाए 10 साल चल जाए। तो गाइस यार हमने सारा सामान खरीद लिया है और भाई इन डब्बों के अंदर पैक भी करवा लिया ढंग से। हाँ और ये वाली मशीन देखो यार, ये असल में गेम मशीन है। गेम मशीन मतलब इसके अंदर गाने बजते हैं तगड़े वाले, गेम भी खेल सकते हैं और भाई गाने भी बजा सकते हैं। है ना मस्त चीज यार, चाइना वाले बनाते ही इतनी खतरनाक खतरनाक चीज है, क्या ही बताऊं तुम लोगों को। तो यार मैंने यहाँ पर जितना बस सामान था अपना सारा सारा लोड कर लिया अपनी गाड़ी के अंदर। लेट्स गो गाइस, यार अब गाड़ी को जल्दी से लेके चलते हैं। और तुम लोगों को एक बात बताऊं, गाड़ी के अंदर तेल भी नहीं है यार, समझ रहे हो ना, इतना कमीना आदमी है ये टोनी स्टार्क। पैसे इतने उसके पास और गाड़ी में तेल तक भी नहीं भरवाया, और मैं भी क्यों भरवाऊंगा यार, वो कमीना है तो भाई मैं उसके उससे भी बड़ा कमीन हूं, तो भाई मैं भी नहीं डलवाऊंगा इसके अंदर तेल, भाई अपना सूखी खड़ी कर देंगे। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं वापस सामान लेके, अब जल्दी चलता हूं और देखते यार ये लोग क्या क्या लेके आए हैं। अरे एक सेकंड यार, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा यार, तुम्हें भी कोई नजर नहीं आ रहा? हेलो सिनचैन, अरे कोई है ही नहीं यहाँ पर, सब लगता है सबसे पहले मैं ही आया हूँ। वो सही है यार, मैं सारा सामान लेके आ चुका हूँ सबसे पहले, लगाना वगाना मेरा काम नहीं है गाइस, वो लगाने वाले और कोई आएंगे, मेरा काम था सामान लेके आना, ठीक है। तो मैं मेरा सामान लेके आ चुका हूँ, जल्दी से सारा सामान अनलोड करते हैं और उसके बाद ढिंचक पूजा के पास चलते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ढिंचक पूजा के साथ क्या करेंगे हम लोग। तो गाइस यहाँ पर हमने सारा सामान उतार दिया, जो भी हम चीजें लेके आए थे सारी क्रेट्स उतार दी, सब कुछ उतार दिया। अब जल्दी से यार गाड़ी के अंदर बैठो। अब मुझे यार थोड़ा काम बताओ क्या करना है, तुम्हें पता है यार हमारा भाई बहुत ज्यादा बोरिंग है, किस टाइप में मेरे को फैशन सेंस नहीं है, ना मैंने अच्छे कटिंग करवा रखी। तो सबसे पहले चलते यार थोड़े नए कपड़े खरीदते हैं यार, बर्थडे पार्टी यार, ऐसे पागलों की तरह तोड़ ही जाऊंगा यार। अरे मेरे को थोड़ी पता थी तेज उड़ जाएगी यार ये गाड़ी, यार ये तो बहुत तेज उड़ी यार सही में। इसको साइड में पार्क लगाता हूं यार, क्योंकि अब ये थोड़ी लेके जाऊंगा बेइज्जती करवाने की मेरे को। और आज बताऊं क्या फायदा हो रहा है, एक तो टोनी स्टार्क की गाड़ी यूज करने को मिल रही है। अब देखो यहां पर एक टोनी स्टार्क की सुपरकार खड़ी है, ये रही। चलो भाई यार अब जल्दी से टोनी स्टार्क की सुपरकार लेके चलते हैं यार, और भाई सब हवा बनाता हूँ जाके यार लॉस सैंटोस की सड़कों पे। जल्दी चलता हूँ, जल्दी यार टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं जल्दी से निकलता हूँ और कटिंग करवा के आता हूँ और नए कपड़े पहन के आता हूँ। आज तो भाई बहुत मजा आने वाला है सेमी। तो गाइस यार अभी रात हो चुकी है और भाई जो टोनी स्टार्क की पहली वाली गाड़ी थी ना उसके अंदर भी तेल नहीं था यार, इसलिए मैं उसकी दूसरी गाड़ी ले आया। तो गाइस यार यहाँ पर आ चुका हूँ, 5 स्टार देख रहे, 5 स्टार है इसके अंदर, कटिंग करवाने आया हूँ मैं, बहुत पैसे लेगा पर ठीक है। आ जा बैठ जा, भूतनी के बता दे कैसी कटिंग करनी है, बता जमूरा बढ़ाना है या छपरी बढ़ाना है? अरे छपरी वपरी मेरे को नहीं बनना, पर अच्छी कटिंग करियो। अरे बस तू बता दे क्या बनना है तेरे को। चलिए ये कटिंग करके दिखा दे। अरे मेरी जैसी कर दो। अरे ना यार तेरी तो छपरियों वाली है, तेरी जैसी नहीं करवानी मेरे को। ये देखना तो यार कैसी लग रही है। अरे कलर भी करता है क्या तू? अरे यार छपरी की दुकान में आया तो छपरी है अपन, छपरी। हाँ ठीक है, कलर करवाऊंगा गाइस यार, मेरे को लग नहीं रहा मुझे कलर करवाना चाहिए। चलो यार मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैंने एक आउटफिट सोच रहा थी उसके ऊपर, क्या पता अच्छा लगे। अरे यार ये क्या कलर चूज किया है तूने, लाल ब्लू हरा नीला पीला काला करवाता? अरे तू जाना छपरी थोड़ी, मैं तेरी तरह जो नीला पीला बाल करवाऊंगा मेरा। तो चलो गाइस यार यहाँ पर मैंने कटिंग करवा ली है, अब घर चलते जल्दी से। चेक आउट गाइस, यार देखो मैंने बोला था ना मैंने जो कटिंग करवाई ना वो एक नंबर की लगेगी। देखो यार जो मैंने कपड़े पहन रखे है ना उसके ऊपर जो मेरे बालों की कटिंग है कितनी ज्यादा ओसम लग रही है यार। मैं पार्टी के लिए हो चुका हूँ रेडी, आओ मेरे को कौन लेकर जाएगा? अब चुप खुद आ जाइए, तू मैं जा रहा हूँ अभी, ठीक है? आओ ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। ओके तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं जल्दी से पार्टी में, चलता हूँ यार गाड़ी और टूट गई मेरी, लेट्स गो। अपन का बर्थडे किसी को भी नहीं याद होती, अपन बहुत बुरा होती, हर कोई बहुत बुरा होती, अपने घर पर जाके सोती। अपन का बर्थडे किसी को भी याद ना होती, कैमरा मैन का बर्थडे किसी को ना याद होती। मुझे तो रोना होती पर अपन का रोती, गाड़ी में रोने में मजा ना आती, जाके तकिए में मुंह दे के रोती बहुत ज्यादा। अरे ये क्या है, अरे ये क्या होती, ये लाइट्स क्यों लगाती इतनी सारी, पता नहीं क्या करती पर देखने में अच्छा लगती। अरे मैयारी ये क्या, इन लोगों ने तो लगता है पार्टी बनाई होती, मेरे को लगता है इन लोगों ने मेरे को सीक्रेट गिफ्ट देनी होती। ओए कैमरामैन आ गया, कैमरामैन। अरे कैमरामैन तू यहाँ पर क्यों आया है? अरे मेरा बर्थडे होती ये सब मेरे लिए करी होती ना। है पागल हो रही है, तेरे लिए नहीं किया ये सब। ओए नाचो नाचो नाचो, ओए नाचो नाचो नाचो, ओ बर्थडे है भाई नाचो, ओ सुमित का बर्थडे नाचो। क्या कहती, ये सुमित के बर्थडे के लिए होती? हाँ हाँ ये हमारे बर्थडे के लिए, मेरा बर्थडे ना जब भी तुम्हें नए कपड़े पहन रखे। क्या बोलती,
मुझे लगा तुम लोगों ने मेरे लिए कर दी ये सब। अरे पागल है क्या, तेरे लिए क्यों करेंगे हम? अरे इतना अच्छा केक भी होती, अपन का बर्थडे कोई नहीं याद रखती। अरे अरे सुन तो, मैं जाती अपन यहाँ से जाती, अपन कूद के मर जाती। कैमरामैन कैमरामैन, अरे यार मजाक कर रहे यार, तेरा ही बर्थडे है यार आज, तुम लोग इतना मजाक क्यों करती, मेरा दिल टूट जाती। अरे आ जा यार कैमरामैन, चला जा जल्दी, इसके केक काट नाचेंगे, मुझे तो भूख लग रही बहुत ज्यादा तेज। ओके गाना बजा दे, ओए गाने वाले चल गाना बजा। अरे मेरा बर्थडे होती, नाचो नाचो। ओ बेटे आज तो कैमरामैन का बर्थडे। अरे सुन बे तुम भी तो नाचो। अबे नाच रहा हूँ ना मैं भी, रुक जाना थोड़ी देर। अरे सुन बे छपरी क्यों बन के आए हो ऐसे तुम? तुम छपरी क्यों बन के आती? शुक्रिया तुम लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया होती। अरे ठीक है तेरा प्रेजेंट देख नीचे, तेरा अपन का प्रेजेंट भी होती, इतनी मस्त डेकोरेशन करती, बहुत मजा आती। अरे वाह क्या ऑमलेट बनाती, और यहाँ पर तो मस्त पार्टी होती, अपना जाके तोहफा देखती, कहाँ है अपन का तोहफा? नीचे जा नीचे बेसमेंट में, तेरा तोहफा बेसमेंट में, जा तो जल्दी। सच बताती प्रेजेंट में क्या होती, अबे जभी तो सीक्रेट है ना, तू खुद जाके देख हम तेरे लिए क्या तोहफा लेके आया। भाई बहुत मस्त है, तेरे को बहुत मजा आएगा सेमी। अरे देख के आती क्या होती, मजा आ जाती अगर बहुत ज्यादा मस्त होती। जा 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 जा। अरे वाह बुकाटी होती, हाँ तेरे लिए बुकाटी लेके आए हम गिफ्ट के अंदर। अरे बेटे मजा आ जाती, अब उनके पास कोई भी गाड़ी ना होती और तुम लोग अपन को ये सुपर कार देती। अरे मजा आ गया ना। अरे शुक्रिया मेरे दोस्तों तुम लोगों का। तो गाइस यार नाचो सभी लोग, आज कैमरामैन का बर्थडे है। नाचो होती नाचो होती नाचो नाचो। तो गाइस यार कैसा लगा आपको आज का गेम प्ले कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेक श्योर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार भूले भटके आते हैं सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे इसको नए गेम प्ले में नई स्टोरी के साथ। जब तक लिए नाचो नाचो होती, सायोनारा।